मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्नातक को लेकर जो है आज बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। अगर आप कन्या उत्थान स्नातक योजना का फॉर्म भरने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका जो है ऑनलाइन जो स्टार्ट कर दिया गया है, किस तरह से आप ऑनलाइन करेंगे, इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके लिए कौन कौन से गाइडलाइन की ज़रूरत है, किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे, किस तरह से डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, क्या डॉक्यूमेंट का साइज़ होने वाला है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। किस तरह से ये लिंक वर्क करेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो यह वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो का आप इंतजार मतलब इस वीडियो का आप जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको 50,000 रुपये की राशि चाहिए, 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति चाहिए, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल टेक विथ बिट्टू पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए मैं बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले बता देता हूं डॉक्यूमेंट के बारे में, किस तरह से डॉक्यूमेंट रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट का साइज होने वाला है, उसके बाद मैं बताऊंगा ऑनलाइन के बारे में। चलिए जैसे मैं यहां पे मेधा शॉट का वेबसाइट खोले हुआ हूं, यहां पे दिया गया है अगर आप यहाँ फॉर्म भरने से पहले जो है कुछ निर्देश दिया गया है, इसके पहले आपको यहाँ पर पंजीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। पहले कुछ निर्देश के बारे में बताते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में। यहाँ दिया गया है अगर आपके महाविद्यालय का नाम सूची में नहीं है तो आप अपने विश्वविद्यालय में के विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार से संपर्क करके उसका नाम जोड़ने का आग्रह करेंगे। इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं रहता है तो पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने जो है यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ से वहाँ के रजिस्ट्रार से आपको मिलना है और उनसे जाकर जो अपने कॉलेज का नाम जुड़वा लेना है। अब जो करना क्या है सो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ बता दिया गया है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ दिया गया है कि एक विद्यार्थी के द्वारा केवल एक ही आवेदन भरा जाएगा। अगर आप रजिस्टर करते हैं तो एक ही बार रजिस्टर करेंगे, उसको बाद आपको दोबारा रजिस्टर नहीं करना है। अगर आप दोबारा रजिस्टर कर देते हैं तो आपका दोनों रजिस्ट्रेशन जो है रद्द कर दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा, तब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद यह आवेदन भरने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज दिया गया है, ये चीज़ आपको जान लेना ज़रूरी है। पहला है फ़ोटो ऑफ स्टूडेंट। अगर आप साइबर कैफ़े वाले हैं या खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं इसके छात्रवृत्ति के लिए, इसमें फ़ोटो का साइज़ जो है 50 KB से कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और फ़ोटो को जो साइज़ है उसको क्रॉप करना है 200x230 पिक्सल के साइज में जो है फोटो को आपको क्रॉप करना है। इसके बाद जो है सिग्नेचर का साइज जो है 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, 20 से 200 KB के ऊपर में रखेंगे, 20 से 1 KB से जो है ऊपर ही रखेंगे, और सिग्नेचर का जो साइज होगा 140x60 पिक्सल में होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है आधार कार्ड जो स्टूडेंट, यहाँ देखिए केवल आप ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन दस्तावेज ही PDF फाइल में अपलोड करना है। आप आधार कार्ड का जीरोस कॉपी जो अपलोड करना पड़ेगा आपको, वो जो है आपको PDF फाइल यानी जीरोस कॉपी कर लेनी है आधार कार्ड की, उसको जो है स्कैन करके जो है PDF फाइल में अपलोड करनी है। PDF का जो साइज़ होगा दोस्तों 500 KB होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, लेकिन 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब किस तरह से फ़ोटो का साइज़ हम रिसाइज करेंगे KB में या MB, मतलब किस तरह से फ़ोटो का साइज़ को रिसाइज करते हैं, अगर वो वीडियो आपको देखना है, ये जानकारी चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोटो रिसाइज लिख के आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, फ़ोटो का रिसाइज करना किस तरह से 20 KB से कम में फ़ोटो नहीं होना चाहिए या उसका साइज़ बनाते हैं फ़ोटो का, सिग्नेचर का या PDF का, वो चीज़ मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद जो यहाँ दिया गया है कि फर्स्ट पेज ऑफ बैंक का जो पासबुक हो रहता है उसकी फ़ोटो कॉपी जो होता है ब्लैक एंड वाइट स्कैन करनी है। किस तरह से स्कैन करनी है? ब्लैक एंड वाइट। कई सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी फॉर्म भरते हैं ना तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट मोबाइल से, अगर फॉर्म भरते हैं डायरेक्ट मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे आपका नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट आपका स्कैन लगेगा, वो PDF फाइल में लगने वाला है, वो भी 500 KB होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, 500 KB से ज़्यादा का जो है PDF फाइल नहीं होना चाहिए। किस किस का? तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का, बैंक का पासबुक का, और इसके बाद जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट होना चाहिए दोस्तों।
अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज से अपना सर्टिफिकेट या ओरिजिनल जो मार्कशीट है, पासिंग मार्कशीट है, वो पहले आपको कलेक्ट कर लेना है, वो रिसीव कर लीजिए जल्द से जल्द। अगर नहीं रिसीव किए हैं तो रिसीव कर लीजिए, फॉर्म भरने के लिए ये काम आने वाला है, क्योंकि इस मार्कशीट का या सर्टिफिकेट का जो है PDF फाइल भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ दिया गया केवल ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ कलर स्कैन नहीं होगा दोस्तों, आप जीरोस कॉपी को ही स्कैन करेंगे, वो भी PDF फाइल में अपलोड करना है और 500 KB या उससे कम का होना चाहिए। ये चीज़ याद रखना है कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ उसको ड्राफ्ट में सेव करते चले जाना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बता देता हूँ कि आपको एक चीज़ और थी, आप देख लेंगे जब भी फॉर्म भरेंगे तो सबमिट करने से पहले अपने जो भी डिटेल भरा है वो चीज़ को आप जांच कर लेंगे, सारा डिटेल को आप जो है मिला लेंगे, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करेंगे। अगर फाइनल सबमिट करते हैं तो आपका जो है कि उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा, कोई भी संशोधन नहीं होने वाला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उसके बाद ही आप सबमिट करेंगे, उसका जो रिसिप्ट हो जाए उसको प्रिंट करके आप रख लेंगे, और ध्यान रहे कि आप जब भी सबमिट कर लेते हैं तो आपको रेगुलर जो उसका स्टेटस आपको चेक करते रहना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि किस तरह से जो है आपको फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, medasoft.bih.nic.in। सिंपली आपको इसी वेबसाइट पे आ जानी है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे दो लिंक दिए गए हैं, एक ऑफिशियल लॉगिन, दूसरा है अप्लाई ऑनलाइन क्लिकर। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों देखिए आपका इस तरह का पेज खुल रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ भी अप्लाई करने का लिंक नहीं दिख रहा है। तो आप सोचेंगे कि इतना देर मैंने जब बोला इतना जो मैं टाइम पास किया हूँ, ये चीज़ मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो में टाइम पास नहीं किया हूँ, ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में जो है कई सारे कुछ साइबर कैफे वाले जो है क्या करते हैं, डुप्लीकेट टाइप का जो है फॉर्म बना देते हैं। तो दोस्तों आपको सावधान रहना है कि अभी जो है ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, और कोई कह रहा है कि आपका ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है तो पहले सारा कंफर्म हो जाइए, सारा वेबसाइट खोल लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। यहाँ मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाने के लिए यहाँ पर बताया है कि ये जो अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं उसको जो है ऑनलाइन के किसी पोर्टल से जो है एडिट कर देते हैं ऑनलाइन के फॉर्म को, जो उसको एडिट करके जो है कस्टमर को जो है रिसीविंग दे देते हैं, कहते हैं कि आपका ऑनलाइन हो गया। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये चीज़ आपको, आप हमारा वीडियो रेगुलर कर देखते रहें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको जो है रेगुलर जैसे ऑनलाइन स्टार्ट होगा दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है। ये चीज़ मेरे को आपको लाइव दिखाना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि अभी ऑनलाइन स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ है कि दोस्तों कि अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट का जो है डाटा वहाँ पर तैयार किया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, उसके बाद ही जो है आपका होने वाला है, क्योंकि सर्वर का जो है अभी पेंडिंग में ही रखा गया है। मैं इस चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पंजीकरण की क्लिक करते हैं तो देखिए अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज ही बता रहा है, क्योंकि ये पहले वाला ही लिंक दिया गया था जो अभी क्लोज ही है, जब पोर्टल खुला ही नहीं है तब पोर्टल पर ऑनलाइन करेंगे कैसे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, जब भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जब भी इन्फॉर्मेशन कोई मिलेगी तो आपको सही और सटीक जानकारी यहां से इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और ध्यान रहे कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, कहीं अभी फॉर्म भरने आपको नहीं जाना है। मैंने बताया था एक पिछले वीडियो में जो है एक कॉलेज का जो उसमें ऑफलाइन जो है फॉर्म भरा जा रहा है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करना है, अगर आप उस TPS कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब वहाँ आप जाके अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, वहाँ से आपका ऑनलाइन होगा, बाकी दूसरे कॉलेज के हैं या यूनिवर्सिटी के हैं तो अभी आपका ऑनलाइन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।